स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, काफ़ी सारे बच्चे हैं, देखो सीटेट की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो सीटेट के जो फॉर्म हैं काफ़ी संख्याओं में फॉर्म पड़ते हैं, यानी लाखों की संख्याओं में फॉर्म पड़ते हैं। लेकिन अगर पास की बात करें तो लगभग बच्चे 25 से 30% ही पास होते हैं, बाद बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके साथ ये होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, इसके पहले भी हम कई बार ये चीज़ आपको बता चुके हैं, आज से नहीं 2-3 सालों से बता रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या है कि अभी तक हम आपको जो आज बताने वाले हैं वही बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ हम आपको देंगे, एक PDF देंगे, जो PDF हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलने वाली है। पहली बात, टेलीग्राम आप कहेंगे सर कैसे ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर वो आपको मिलेगी। और किस नाम से मिलेगी वो भी बता दें, सीटेट तुक्का के नाम से पड़ी होगी। आप फाइल में जाएंगे, सीटेट तुक्का 20 अगस्त के नाम से पड़ी हुई होगी PDF, आप वहां से आपको मिलेगी। आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आज ही बनाया जा रहा है, आज की अगर तारीख की बात करें तो 13 तारीख है, 13 तारीख में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 13 तारीख को PDF नहीं मिलेगा। इसके बाद 14 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा आपके लिए। पहली बात ये, वो 10 पेज का PDF होगा, 10 से कम भी हो सकता है, 1-2 पेज, 10 से 1-2 पेज ज़्यादा हो सकता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम जो हमारी पेजों की क्वांटिटी है वो 10 है। उन 10 पेजों को आप अगर पढ़ लेंगे सही से तो ये गारंटी हमारी है, अगर आपने अभी तक सीटेट पास नहीं कर पाया होगा तो इस बार आपका पास होगा, अगर मन से उनको पढ़ लेंगे। इसके बाद उनको करने के बाद क्या क्या करना है हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो चीज़ हमने हमेशा बताई आज भी बताएंगे। कई लोग क्या करने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, आप लोग क्या करते हो, मान लो आपको 100 क्वेश्चन आते थे, आपको 80 प्रश्न ही आते थे, आपको एक तरीके से हम मान लेते हैं कि आपको 80 प्रश्न आते थे और इसके बाद में 70 प्रश्न आपको नहीं आते। जो 70 प्रश्न हैं ये आपको पता नहीं है, 80 प्रश्न आपको पता थे आपने कर दिए, 70 नहीं पता होते। तो कई लोग क्या करते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी बात जाने दो, कोई बात ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग में कभी तुक्का लगाया ही नहीं जाता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब लगाया जाता है, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप कैसे तुक्का लगाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ आपको बता दें, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे संस्कृत जैसा सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादातर बच्चों को कुछ नहीं आता और हमको भी कुछ नहीं आता, हमारे 19 क्वेश्चन सही थे जबकि कुछ नहीं आता था, तुक्का से 19 के 19 सही किए थे। अब आप सोचो अगर एक सब्जेक्ट में 19 सही करेंगे तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, कितने हो गए, 19 पना कितने होते हैं जानते हो, 95 नंबर में आप पास हो जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट हमको आते थे पर संस्कृत नहीं आता था, इसी ट्रिक का हमने पालन संस्कृत में किया था, 19 सही कर लिए थे, जो 10 पन्ने देंगे उसका प्रयोग प्लस इस ट्रिक का प्रयोग, अकेले इस ट्रिक से ही आपके नहीं नंबर आने वाले हैं, इसके बावजूद जो पन्ने रहेंगे उनको भी आपको पढ़ना है उसके बावजूद। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो 70 जो प्रश्न रहते हैं इनको कैसे करना रहता है, समस्या आपके सामने ये आती होगी सबसे बड़ी। चलिए आपको बताते हैं आपने क्या किया, हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें, एक किताब है हमारे पास में, ये एक नहीं हमारे पास काफ़ी किताब है सीटेट की, एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको दिखा रहे, और आपके पास अगर ये किताब हो या कोई भी, आप कोई भी कॉपी खोल लेना, सॉरी कोई भी पेपर खोल लेना जो प्रीवियस ईयर आया हुआ हो, या आपके पास कोई किताब ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की आंसर शीट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 150 प्रश्नों में आप करना क्या, आंसर शीट डाउनलोड करने के बाद ABCD लिखना, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं, ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो 35 से कम बार आया हो, कोई भी ऑप्शन आप नहीं निकाल सकते जो 35 से कम बार आया हो, बल्कि 37, 38, 40 भी हो सकता है, 35 से कम बार तो कोई भी आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। अगर इन चारों को काउंट कर देंगे तो 140 हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 बचे, 10 प्रश्न ये होगा, किसी में 37, 38 भी होंगे, कोई 40 भी होगा, है ना, तो कोई भी ऑप्शन 35 से कम नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, अगर आप देख लेंगे तो, हम तो डेली काउंट करते हैं, डेली क्लास लेते हैं तो हमको तो पता ही है, अगर आपको भरोसा ना हो इसलिए ये बात बता रहे, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो 35 से कम हो, एक आध पेपर में अगर आपको मिल भी गया 33-34, बहरहाल हमारे हिसाब से हमने आज तक बहुत सारे पेपर में काउंट करके देखा है, हमें तो 35 से कम किसी में भी नहीं मिला कोई भी ऑप्शन, आप फिर काउंट कर लेना, शायद आपको मिल जाए तो आप हमको दिखाना जरूर एक बार, वैसे हमारे समझ से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है, मान लो आपने सर 80 प्रश्न किए, सबसे पहले हम आपको ये ट्रिक तभी फॉलो करना, एक तरीका और सुन लीजिए आप,
ये ट्रिक तभी फॉलो करेंगे, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो पढ़ाई ना करता हो। हर कोई थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही रहा होगा, किसी कारणवश नहीं पास हो रहा है, हो पा रहा है ना। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, नहीं पास हो पा रहा है, पढ़ाई सभी कर रहे होंगे। तो मान लो आपको 150 नंबर का पेपर मिलेगा, 150 में हम कहते हैं आपने 80 भी नहीं कर पाए, आपने 70 किए। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको वही प्रश्न करने हैं पेपर में जो आपको पता हो कि एग्जैक्टली यही आंसर होगा, है ना। तो हम कहते हैं कि 150 में 70 तो प्रश्न ऐसे होंगे ही जिनके आपको आंसर एग्जैक्टली पता होंगे। मान लो 70 आपने कर दिए, आपने 80 प्रश्न नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए आपने? 80। हमने बहुत कम प्रश्न लिख दिए हैं 70, है ना, बहुत कम प्रश्न ये 70 लिखे हैं। और ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि जिनका पास नहीं होता है उनके तो 82 से कम ही सही होते होंगे, तभी तो ये 70 लिखेंगे। तो हमने लिख दिए 70 प्रश्न, ठीक है। चलो 70 प्रश्न आपको पता थे, आपने कर दिए, ऐसे भी करके आपने किए 70 प्रश्न किए। अब हम बात करेंगे 70 के बाद 20 प्रश्नों की। वो 20 प्रश्न आप कैसे करेंगे? जो हम आपको पेज देंगे, जो PDF देंगे, उनसे करेंगे। आपने टोटल फिर प्रश्न कर लिए 90। आप कहेंगे सर जी अभी तो पास हो गया, क्लियर नहीं है कि आपके यहाँ पर 70 ही सही हो जाए। हमने मान लिया कि आपने 90 कर दिए। अब इसके बाद में बचे कितने? 60 प्रश्न बचे। आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे देखें, समझें थोड़ा। आप करेंगे ये, आपने 90 प्रश्नों को जिनको किया है, आप जल्दी से आंसर सीट लेंगे और उसमें यही करेंगे ABCD। आपके समझ से सारे प्रश्न ये सही होंगे, होंगे ना सारे प्रश्न सही। और ये 90 प्रश्न कैसे करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे, सही कैसे हो जाए 70-80 प्रश्न लगभग आपके कैसे सही हो जाए वो भी बताएंगे। आपने देखा यार कि 90 में ए का अगर हमने काउंट किया तो लगभग 30 बार आ रहा है, बी को काउंट कर रहे हैं अगर हम तो लगभग आपका कितनी बार आ पा रहा है? लगभग आपका आ रहा है 20 बार। सी को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो सी भी लगभग हमारा 32 बार हमने लिख डाला है। बाद बाकी हमने डी को कितनी बार लिख पाया है? 8 बार ही लिखा है। आपके कितने हो रहे हैं आप एक बार काउंट करने की कोशिश करें, 90 हो जा रहे हो। तो आपके सामने अब समस्या आएगी कि सर जी अब हम बी को करें कि सी को करें बाद बाकी ऑप्शंस में। अब ये चीज़ हमको पहले ही से क्लियर है कि हर एक ऑप्शन 35 प्लस बार आता है, क्लियर है। मान लो आपने डी को 8 बार किया है, ठीक है, डी को आपने 8 बार किया है। हम ये मानते हैं कि आपके हो सकते हैं कि सही हो ना भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए आपके पास क्वेश्चनों की संख्या 60 है। अगर हम कहते हैं ये 8 में से आपके सिर्फ 5 ही सही होंगे, 3 आपने गलत ही किए होंगे, फिर भी 35 बार आपका आ सकता है डी ऑप्शन, कम से कम 35 बार मिनिमम। तो हम कहेंगे आप अभी 32 क्वेश्चन इन 60 में डी ऑप्शन वाले होंगे, ये कन्फर्म है। बाद बाकी बी भी होगा, सी भी होगा, ए भी होगा, सी भी होगा, लेकिन हमको करना तो कोई भी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ डी आंसर लगाना है जिससे कि हमारे क्या हो 60 में 32 प्रश्न सही हो जाए। अब आप कहेंगे सर जी हो सकता है ऐसा कभी ना हो कि हमारे कोई ऑप्शन कम हो, हम हो सकता है सारे के सारे बराबर ही करते आ रहे हो। ऐसा दोस्त बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं कंपल ऐसे नहीं होते हैं कि आपने एक तरफ से करना स्टार्ट किया और आपने 90 प्रश्न कर दियो, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ ये मान सकते हैं इस 8 की जगह 18 हो सकता है, इस 8 की जगह 15 हो सकता है, ये संख्या बढ़ घट सकती है। तो आप फिर ये करना, एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें, जो सबसे कम बार आया हो, मान लो 15 बार आ गया, फिर भी यहाँ पर 26-27 क्वेश्चन सही होने के चांस, 25 और 15-40 होता है, फिर भी आपके लगभग 20-22 क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। अगर हम यहाँ पर 15 भी लिख दें तब भी हम कहते हैं 22 ही क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। और 90 में आपने, हम कहते हैं ज़्यादा नहीं 60 ही क्वेश्चन सही हुए होंगे, 90 में आपके 60 क्वेश्चन सही होंगे, हम कहते हैं कि 30 आपने और गलत कर दिए होंगे 90 में भी, तब भी आपके 60 और 22 ही अगर यहाँ पर ले लेंगे तब भी 82 हो जाते हैं। कम से कम अपने स्टेट में तो एलिजिबल हो जाओगे, अदर स्टेट में नहीं हो पाओगे। यहाँ तक अगर हमारी बात समझ में आ रही है कि आपको करना क्या है, पहली बात ही हो गई। दूसरी बात दोस्त, ऐसा आप तब करेंगे, ये ब्यौरा आपका सही कब आएगा उसके लिए हम आपको बताएं आपको करना क्या है। आप जो भी करेंगे हम एक आपको PDF देंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उस PDF को अच्छे से पढ़ने के बाद उस PDF का यूज कैसे होगा वो आगे हमारी क्लासों में आपको पता चलेगा। कल के बाद जो क्लासें होंगी उन क्लासों में उसका यूज भी हम बताएंगे, कहाँ कहाँ करना है, कैसे होगा। जो हम आपको PDF देंगे उस PDF को अच्छे से पढ़ना है और 150 प्रश्न जो आपके आएंगे उन 150 प्रश्नों को उसी तरीके से करना है। जो क्वेश्चन में उस PDF के रूल फॉलो हो जाएं
उस पीडीएफ से जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल जाए वो आपको करना है। इतनी गारंटी हमारी है कि उस पीडीएफ से कम मिनिमम प्रश्न 70% सही कर देंगे, मिनिमम 70% आप सही कर देंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं सही। बाद बाकी सभी में तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने के लिए आप यही देख लेना कि आपने 70 प्रश्नों में कैसे किया है, कौन सा ऑप्शन सबसे कम है, उसी का चयन कर देना, तब भी आप दोस्त आंसर से पास कर ले जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। अब आप कहेंगे सर पीडीएफ में क्या होगा और कहां पर मिलेगा, पीडीएफ में क्या होगा वो चीज़ आपको पीडीएफ देख के ही पता चलेगा, और पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। ये दोस्त गारंटी हम लेते हैं कि सीटेट आप पास करके जाओगे अगर आपने इन नियमों को फॉलो किया। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं, देखो ज़्यादातर बच्चे होते हैं 70+ कर ले जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों का फेल होता है, कोई 80 ला पाता है। अगर उसको ऑल इंडिया मनवाना है, अपना ऑल इंडिया डिप्लोमा रखना है कि ऑल इंडिया में कहीं भी काम करे, तो 88, 87, 85 पे अधिकतर बच्चे पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जो क्वेश्चन बच जाते हैं सही तरीका नहीं पता होता। एक और हम बता दें, एक आपको आप चीज़ और बता दें, आपका जो ऑप्शन रहता है ज़्यादातर वो सी वाला रहता है। आप जितने आपने सीटेट के पास सीटेट के प्रैक्टिस सेट हो, आप देखना 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में 40+ आपको सी वाला ऑप्शन मिलेगा। आप अगर कुछ भी काउंट ना करना, आप सिर्फ सी ही काउंट कर लेना कि आपने सी कितनी बार किया है। अगर आपने सी को 20-25 बार भी किया है तब भी आप बचे बचाए प्रश्नों पर सी ही लगा देना। अगर 25 बार भी किया होगा तो गारंटी हमारी है 12 से 15 नंबर आपके फिर भी बढ़ जाएंगे, 12 से 15 नंबर बढ़ने के फिर भी चांस रहेंगे बचे बचाए ऑप्शन में, ठीक है। सी के बाद आप कहेंगे सर कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एक आपका सी, सी टेट की बात कर रहे हैं, एक आपका डी। सी टेट में ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक सी और एक डी 40+ बार, क्योंकि सी टेट में कई आंसर ऐसे होते हैं सबसे बड़े वाले आंसर सही होते हैं, और बड़ा आंसर ज़्यादातर डी में या सी में आपको देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सी टेट में ज़्यादातर ऑप्शन में ये सभी भी सही हो जाता है, तो वो भी आपको डी ऑप्शन में ही देखने को मिलता है, दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो सीटेट के आंसर्स होते हैं आपको ऊपर से ऐसे जैसे बड़े बड़े आंसर होते हैं ऊपर से आपको उलझाते हुए आते हैं, है ना। ऊपर पहले ही ऑप्शन ऐसा रख देते हैं कि आपको लगेगा कि यार यही सही है। आपने देखा होगा अगर आप डेली क्लास कहीं भी ले रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि पहला आंसर देखते ही हमको ये लग जाता होगा यार यही प्रश्न का आंसर सही होगा, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते होंगे तो दूसरा लगता होगा गलत है, लेकिन फिर तीसरा लग जाता होगा यार अब यही वाला सही होगा। और जैसे ही नीचे आते होंगे फिर आप चक्कर में पड़ जाते होंगे अब यार पहला वाला सही होगा या चौथा वाला सही होगा, ऐसा आपने महसूस किया होगा। तो इसलिए और ज़्यादातर फिर सही कौन सा ऑप्शन हुआ होगा, डी वाला ही सही हुआ होगा। इसलिए दोस्त ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अब की बार ऐसे एग्जाम देना है कि आपका पास हो जाए, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए, गारंटी हमारी है वो चीज़ आपको बताएंगे, वो चीज़ें आपके सामने लाएंगे कि सीटेट आपका आपकी बार पास ही नहीं अच्छे नंबरों से पास होगा। सिर्फ कम समय है, इन्हीं कम समय में आप हमारे साथ मेहनत करेंगे रेगुलर, हम आपके लिए इसके साथ साथ, ये तो आपको करनी है ये अलग की बात हो गई थी, थोड़ी काम की बात कर लेते हैं, हम आपके लिए पर डे 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे, क्लास जो हो रही है वो तो हो ही रही है, जो आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये बताएंगे। जैसे कई बच्चों के सामने ऑप्शन में आ जाता है स्कीमा क्या होता है, बच्चे के सामने आ जाता है अधिगम करना क्या होता है, बच्चों के सामने आ जाता है संप्रेषण क्या होता है, बच्चों के सामने आता है मौन वाचन क्या होता है, बच्चों के सामने आ जाता है शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न में ऑप्शन आ जाते हैं तो बच्चे आश्चर्यचकित में हो जाते हैं यार अब क्या करें आंसर। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर भी आपको कल से मिलेंगे, ये हमारा आपके लिए वादा है। और आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, पीडीएफ जो ये है जो 10 पन्ने हमने कहे हैं उन 10 पन्नों से आपका पास होगा, ये मेरी गारंटी, वो आपको 10 पन्ने कल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप सभी लोग उन 10 पन्नों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करिए और उन्हीं 10 पन्नों को हम भी पढ़ाएंगे आपको कल ही, और आपको बताएंगे कि इन 10 पन्नों का प्रयोग कैसे करना और कहाँ कहाँ करना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम दोस्तों, वीडियो को अवश्य शेयर करना सभी दोस्तों।